हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जेटेक अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और वो भी क्यों होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि बेसिस बाइक में कितना पेट्रोल रखना चाहिए। और ये सबसे अहम सवाल है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी की जब बाइक ख़रीदते हैं तो एजेंसी वाले बताते हैं कि आप 2-2.5 लीटर 3 लीटर आप पेट्रोल इसमें हमेशा रखें। तो हर एक इंसान, चाहे आम आदमी हो या बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा आदमी हो, तो कोई भी बाइक में पेट्रोल को ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। सभी के पास, अगर आपने मेंटेन कर रखा है, किसी को बांटी गाड़ी आपने किसी को दिया, वो हो सकता है कि पेट्रोल को ख़त्म कर दिया या कुछ भी कर दिया। तो फिर आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि आप कितना पेट्रोल रखें और क्या इसमें प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद या फिर कम होने के बाद आएगी कि नहीं आएगी, और क्या वो बारीकियाँ हैं, सारा स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, पहले बाइक में जो यहाँ पर कार्बोरेटर लगा हुआ था, इंजन में कार्बोरेटर होता था, तो उसमें क्या है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती थी, चाहे आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए चाहे जो हो जाए। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, इसे डिजिटल मोदी सरकार कर रही है ना, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल सिस्टम हो रहा है। तो इसमें भी एक नई तकनीक आ गई है, FI यानी फ्यूल इंजेक्टर। तो जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें मोटर लगा होता है, तो जब आपकी बाइक स्टार्ट होती है और एक्सीलेटर लेते हैं तो मोटर के हिसाब से पेट्रोल इंजन में जाता है। तो वो क्या होता है कि जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है एकदम से, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब अगर आप बार बार किक मारेंगे, अगर आप बार बार किक को जब मारते हैं तो मोटर होता है सर सर नाचता है, तो इससे वो मोटर जलने का खतरा होता है। अगर आप बार बार मारते हैं तो, एक बार में नहीं, जैसे कि अभी मान के चलिए मैंने चाबी कट कर दिया है और उसके बाद इसमें मान के चलिए कि जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मैं मार के दिखाता हूँ, अब एक तो आप इसे 2-4 बार मारेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको मारना नहीं है कि क्यों नहीं मारना है, क्योंकि पहले आपको देखना है कि आपके बाइक में पेट्रोल है या फिर ख़त्म हो गया है, उसके बाद मारना है। क्योंकि ये जो है फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है, तो आप अगर आप एक सेल्फ मारेंगे दोस्तों, एक सेल्फ हमने लिया, देखिए बाइक स्टार्ट, तो अगर पेट्रोल रहेगा तो आपकी बाइक 100% तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, आपको बार बार किक मारने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जो लोग बताते हैं कि 2 लीटर पेट्रोल रखो कि 3 लीटर रखो ज़रूरी है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है, आप चाहे 0.5 लीटर डाल के चलाओ चाहे 1 लीटर डाल के चलाओ, बस ध्यान ये देना है कि आपकी बाइक का पेट्रोल एकदम से ख़त्म ना होने पाए। अच्छा, अगर ख़त्म भी हो जाए तो आपको बार बार किक या फिर सेल्फ नहीं मारना है, सबसे इम्पोर्टेंट बस दो चीज़ें, अब पेट्रोल ख़त्म होने के बाद आपको किक और सेल्फ बार बार नहीं मारना है, एक ही बात, बाकी आप पेट्रोल चाहे कम रखो चाहे ज़्यादा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी वाले जो बताते हैं सिर्फ इसलिए बताते हैं कि ताकि, बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा रोड पर पेट्रोल जब ख़त्म हो जाता है तो बार बार किक सेल्फ मारते रहते हैं, इससे लग रहा है पेट्रोल अभी भर जाएगा उसमें और बाइक फिर चलने लगेगी। आप पहले ध्यान दो कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो बार बार मारने स्टार्ट नहीं होगी, पेट्रोल डलवाइए फिर मारिए सेल्फ तुरंत स्टार्ट। यही चीज़ें हैं दोस्तों जो हम आपको बताए हैं, वो बिल्कुल एकदम सही है, आपको पेट्रोल की टेंशन नहीं लेना है, बस केवल ध्यान देना है, तो एकदम से जब ख़त्म हो जाए तो सेल्फ और किक को बार बार इस्तेमाल नहीं करना, बस यही चीज़ें करना है दोस्तों। तो ये जानकारी के इसलिए कि हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।